हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे तुम सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ तुम लोग बिल्कुल ठीक ठाक फिट एंड फाइन होगे। आज मैं सुबह सुबह नहा लिया था, इतनी भी सुबह मैंने नहीं नहाया। मैंने तो 9 बजे नहाने के लिए गई, 20 मिनट नहा के मैं वापस आ गई। फिर मैंने कहा चलो भाई यहाँ पे जल्दी से जो है हम गेट रेडी विद मी कर लेते हैं। और नाश्ता वगैरह बन चुका था तब तक, तो मैंने कहा भाई ब्रेड वगैरह में, मैंने कहा मैंने आज ब्रेड खानी नाश्ते में, तो मम्मा कहती खुद ही बना लेना। मैंने कहा अब इतना कम टाइम है, 9:30 बजे गैस चल जाती है, हद ही होता है कि चलो 9:45 तक खड़ी हो जाएगी, उसके बाद चली जाएगी। यहाँ मैं जल्दी से अपना फटा पुराना गेट रेडी विद मी करते हुए, तुम लोगों को पता ही है बस जो चीज़ें सूट करती हैं वही चीज़ें लगानी चाहिए। यहाँ मैंने परफ्यूम लगा लिया था, थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा लिया था और लोशन लगा लिया था, और कंघा शंघा अभी नहीं किया था क्योंकि बाल मेरे गीले थे। सही हो गया। और जो मेरे चैनल पर न्यू है जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। ऊपर इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन है, टिकटॉक की आईडी मेंशन है, इधर यूट्यूब के चैनल का लिंक तुम लोग देख ही रहे हो तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? इतने कंजूस ना बना करो, देखते हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो। खैर यहाँ पे मैं नाश्ता बनाते हुए मैंने कहा भाई मुझे पहले बाद में बताना था, मतलब नहीं पहले बताना था क्योंकि फिर मैं थोड़ा सा नया नहाती, ज़रा देर से नहा लेती। लेकिन फिर ये होता है ना कि अगर आप जो काम कहते ना पहले नहीं होता, वो पूरा दिन हो ही नहीं सकता सिवाय खाने के। एक खाना खा लिया जाता है पूरा दिन। अगर नहाना होगा, अगर हम ये कहेंगे ना सुबह नहाना था, तो हम कहेंगे दोपहर को नहाएंगे, दोपहर कहेंगे रात को नहाएंगे, रात को कहेंगे अच्छा ठीक है अब तो रात होगी, सुबह नहा लेंगे, तो ये काम नहीं होता। तो फिर मैंने कहा चलो भाई हम नहा ही लेते हैं। फिर मैंने नहा लिया था और उसके बाद यहाँ पर मैं नाश्ता बनाने आई, इसमें मैंने कहा भाई मैं ब्रेड खाऊँगी, ब्रेड की तरह। फिर ब्रेड आई बाहर से क्योंकि ज़िद्द तो फिर पूरी होनी होती है। मैंने कहा अंडा भी साथ बनेगा है, और यहाँ फिर साथ चाय बन रही थी। पहले मैं चाय ऊपर से लेके आई थी, मैंने कहा मैं इसको पी लेती हूँ और उसके बाद जो दूसरी वाली चाय होगी वो मैं बनाऊँगी और वो मैं नाश्ते के साथ मतलब होगी पीऊँगी ना, क्योंकि ऊपर वाले ने तो नाश्ता कर लिया था यानी कि सब मेरे बहन भाइयों ने। और यहाँ मैं नीचे वाले चूल्हे पे काम कर रही थी। अच्छा नीचे कुकिंग क्यों नहीं होती? इस वजह से नहीं होती क्योंकि गर्मियाँ हैं, नीचे सारी गर्मी हो जाती है तो इस वजह से ऊपर हो जाती है। और यहाँ पे जब सब ने अपने अपने चूल्हे बंद कर दिए तो मैंने कहा भाई अब बस हो गया। एंड टाइम पे गैस इतनी तेज़ आती है और फिर एकदम हल्की हो जाती है, और बहुत हल्की हो जाती है। मैंने कहा चलो भाई मैं जल्दी कर लूँ, यही जो तेज़ गैस है इसमें मेरे 15 मिनट में मेरा नाश्ता बन गया था। वैसे मैंने ब्रेड गर्म करनी थी, पहले मैंने अंडा बना लिया और फिर जो ऑयल बचा उसके अंदर मैंने अपनी ब्रेड को भी गर्म कर लिया। और यहाँ पे मैं पता नहीं क्या चीज़ ढूंढ रही थी, शायद हाँ मैं शक्कर ढूंढ रही थी, लेकिन मैं शक्कर नहीं मिली, मैंने चीनी से ही गुजारा कर लिया। क्योंकि मुझे कभी कभी होता है कि शक्कर, मुझे लगता है कि चाय में कभी कभी मैं शक्कर पी लेती होती हूँ, वैसे मैं चीनी ही पीती हूँ। फिर यहाँ पे मैं दूध डाल रही थी अपने स्टाइल में क्योंकि मेरी चाय बन रही थी, और यहाँ पे गैस बिल्कुल हल्की हल्की हो जाई थी। मैंने कहा या अल्लाह मेहरबानी करना, मैं दूसरा चूल्हा बंद कर दी, मैंने कहा गैस ना जाए अब, एकदम इतनी तेज़ थी एकदम बिल्कुल जाने की सूरत हाल हो गई है। और यहाँ पर मेरा बिल्कुल सस्ता टिकाऊ नाश्ता बन चुका है जो कि बड़ा ज़बरदस्त है, तुम लोग भी खाते ही होगे बाकी। और यहाँ पे मैं चाय के साथ खेल खेल रही थी, चाय कह रही थी मेरे साथ मत खेल, ना छेड़ मलंगा नू, मतलब ना छेड़ चाय नू, तो मैं फिर भी छेड़ी थी। मेरी बहन से कैमरा सीधा पकड़ा नहीं जा रहा था, मैं उसे कही थी यार तू सीधा पकड़। और यहाँ मैं एक स्लाइस तो खड़े खड़े ही खा गई थी और दो स्लाइस पड़े थे, मैंने कहा चलो भाई इसके साथ खा लेंगे। और यहाँ पे कहानी शुरू हुई कि हल्का सा किचन टॉप समेटने से, थोड़े से बर्तन धोने से कहानी शुरू हुई और कहानी ख़त्म हुई एक डीप क्लीनिंग किचन की, यानी कि यहाँ तक हद पहुँच गई थी मेरे काम करने की। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं नहाऊँ और उसके बाद 1-2 घंटों में मैं गंदी ना हो जाऊँ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम मैले ना हो जाएं। वो इस तरह से कि जैसे बचपन में हम स्कूल में वर्दी साफ़ सुथरी पहन के जाते थे और वापस आते थे तो इंतहाई गंदी होती थी, और हमारे घर वाले कहते थे कि ये कूड़ेदान से होकर आए हैं, और वाकई हम तो बड़ी गंदी करके आते थे। और यहाँ पे मेरे साथ कुछ ऐसे सीन शीन हुए थे, मैं देखो कितनी जुल्म होता है मेरे साथ मेरे घर के अंदर, लेकिन यार ये हकीकत है, ये होता है, मतलब काम करना पड़ता है, फारिक बैठ के क्या करेंगे। उसके अलावा कभी कभी मैं सोचती थी कि लड़कियों की ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल होती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, लेकिन अब मुझे लगता है कि लड़कों की ज़िंदगी ज़्यादा मतलब चैलेंजेस वाली हो सकती है। मतलब दोनों तरफ से दोनों की अपनी अपनी ज़िंदगी है, दोनों को अपनी अपनी जीनी चाहिए। मतलब मुझे अकल आ गई है इस तरह से कि जो बॉयज़ होते हैं वो बेचारे उनके पास चॉइस नहीं होती, हमारे पास फिर भी चॉइस होती है कि हमने पढ़ना है नहीं पढ़ना, कमाना है नहीं कमाना। बॉयज़ के पास तो है भाई तुमने कमाना ही है चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तो यहाँ पे मैं यही सोच रही थी और ज़्यादा बर्तन चर्तन धो रही थी। पहले मैंने पूरा किचन टॉप साफ़ कर लिया था, मैंने अलमारियाँ साफ़ की थी अंदर से बाहर से, एक एक चीज़ साफ़ की थी, हर चीज़ को उसकी जगह पर रखा था। और लेकिन ये 2 दिन की सफाई में नहीं रही, मेरे बहन भाइयों ने सारा ख़राब कर देना है। और मेरा भाई और मैं आपस में बात करते, मैंने कहा भाई तुझे पता है उसका ना 9th का रिजल्ट आने वाला है, तो उसका थोड़ा तोड़ फिरा हुआ है, तुम लोग यू मीन ना तोड़ फिरा हुआ है, तो वो ना ज़रा परेशान था। मैंने कहा मैंने उसे फिर बात बताई, मेरे और बाबा की ना परसों बात हो रही थी, बाबा कह रहे थे कि ना तुम्हारी
अम्मी ज़रा परेशान लग रही हैं. मैंने कहा पता नहीं क्यों परेशान है. मैंने कहा हाँ मुझे याद आया मुझ पा के रिजल्ट की बात कर रही थी. पापा कहते लो भाई इसमें कोई परेशानी की बात है, हम उसको दोबारा 9th में फेंक देंगे. कहता है मैंने उसे यही बताई थी. कहते हैं ऐसे कहा है. मैंने कहा ले मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूँगी, ऐसे ही कहा है. फिर यहाँ पे ये खड़ी थी नमक मिर्च वाली संदूकड़ियाँ जिसको हम कहते हैं, या हम नमकदानी भी कह सकते हैं. अक्सर लोग कुछ और कहते हैं, अक्सर कुछ और कहते हैं. तो इसको मैं साफ़ गई थी. मैंने कहा इनको भी ये साफ़ कर लेते हैं. और इसके अंदर फिर दोबारा सामान भी डाल के मैंने रख दिया था. मेरा दिन तो कुछ यूं ही गुजरा है और खाते पीते गुजरा है. बीच में मैं रेस्ट भी ले रही थी और खा भी रही थी. तो इतना व्लॉग, ये तो 23 मिनट का व्लॉग होता है, छोटा करते करते इतना हो जाता है. बाकी जो मेरे चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर देना. इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन है उसको भी तुम लोग फॉलो कर लेना और सब्सक्राइब कर दिया करो. और व्यूज़ भी तो दिया करो, व्यूज़ भी दो ना. अच्छा फिर मैंने, मेरा भाई परेशान था, मैंने कहा परेशान ना हो, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के. तो मैंने कहा तेरे जो नंबर है ना वो भी तुझे छप्पड़ फाड़ के मिलेंगे, दुआ करना इनके नंबर आ जाएँ. मेरे स्टूडेंट भी हैं उनके भी नंबर आए. मैं बड़ी परेशान हूँ, तुम लोगों को नहीं पता. और उसके अलावा शुक्र है मेरा तो रिज़ल्ट अच्छा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह. और फिर जो मेरे भाई है मैंने उसको कहा तेरे नंबर भी छप्पड़ फाड़ के आएंगे, मेरे सब्सक्राइबर भी छप्पड़ फाड़ के आएंगे और मुझे मेरी वीडियोस पे व्यूज़ भी छप्पड़ फाड़ के आएंगे. तुम लोग इस बात को यकीन ना, मैं तुम लोगों को दिखा रही हूँ कि तुम्हारी बहन कितना काम करती है. अब देखो तुम लोग भी काम करो. अब भाई मैं तो इतना बोल बोल के थक चुकी हूँ. अब आजकल मैं अपने घर वालों को कहती हूँ मुझे बिल्कुल ना बुलवाया करो क्योंकि मैं व्लॉग में बहुत बोलती हूँ. बाकी अब देखो मैंने इतना काम किया, मैं थक गई हूँ, अब रेस्ट कर रही हूँ. तुम लोग व्लॉग देखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बहुत सारा प्यार, अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना. कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.